युवा लेखक मृदुल की दिल को छू लेने वाली एक और पुस्तक का विमोचन यूनाइटेड पब्लिक स्कूल सभागार में हुआ। आपको बता दें कि विमोचन वायुसेना के शहीद जवान दीपक पांडे के माता पिता द्वारा किया गया। पुस्तक का विमोचन करते हुए शहीद दीपक पांडे के पिता राम प्रकाश पांडे ने कहा कि यदि इस किताब का मतलब पूरी दुनिया समझ ले तो शायद कभी कोई कहीं जंग ना हो और ना ही किसी को कोई अपना खोना पड़े। उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने प्रेम के सर्वोच्च स्तर देश प्रेम को चुना और उसी के लिए कुर्बानी भी दी। मोहब्बत 24 कैरेट के बारे में जानकारी देते हुए लेखक मृदुल कपिल ने बताया कि मोहब्बत 24 कैरेट में शामिल 24 कहानियों में प्रेम के अलग अलग रंगों को दर्शाती है। इसमें महज स्त्री पुरुष के मध्य की प्रेम कहानियां ही नहीं बल्कि मोहब्बत के हर भाव को छूती है। लेखक मृदुल ने बताया कि उन्हें ये पुस्तक लिखने में 5 वर्षों का समय लगा। वही पुस्तक के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर दया दीक्षित ने कहा कि यह किताब नफरतों से भरी दुनिया में मोहब्बत की दस्तक है। जहाँ चारों तरफ नफरत और स्वार्थ के शोर हो तो ये किताब मोहब्बत 24 कैरेट मन को शांति देती है। इसी कड़ी में कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल के संस्थापक डॉक्टर आलोक वाजपेयी ने कहा कि मोहब्बत दुनिया की हर समस्या का समाधान है और मृदुल कपिल जैसे युवा लेखक ने बहुत ही सरल और सहज ढंग से अपनी कहानियों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है। साथ ही विमोचन में शामिल हुए प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अवध दुबे ने युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें आगे बढ़ने पर जोर दिया। प्रसिद्ध व्यंग्यकार अनूप शुक्ला ने भी मोहब्बत 24 कैरेट के साहित्यिक पहलुओं की विस्तार से चर्चा की एवं साहित्य जगत की महत्वपूर्ण पुस्तक बताया। विमोचन में उपस्थित गणेश तिवारी, इंद्र मोहन रोहतगी, प्रदीप पांडे, राघव त्रिपाठी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही लेखक मृदुल कपिल को भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि विमोचन में अनूप त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, अतुल आक्रोश, नीरज हॉस्टिंग, प्रियंका शुक्ला, कमल जैन, डॉक्टर निखिल गुप्ता समेत शहर के अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।